हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आईबीपीएस की आरआरबी की रीजनल रूरल बैंक की जो नोटिफिकेशन है जो आ चुकी है, और जो सबसे बड़ा जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या हम किसी दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जो आरआरबी की जो नोटिफिकेशन रहती है वो स्टेट वाइज रहती है, कि बैंक पीओ की तरह नहीं है कि एक कॉमन ऑल इंडिया लेवल होता है। इसमें आपको स्टेट वाइज जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं ये आपका जो डाउट है वो क्लियर करूंगा कि अगर आप दूसरी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग सीट्स हैं, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आईबीपीएस आरआरबी 2022 की बात करें, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, तो 27 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो होगा अगस्त 2022 को, और जो मेंस एग्जाम होगा वो होगा सितंबर और अक्टूबर में। अब आईबीपीएस आरआरबी की दो नोटिफिकेशन है, एक है ऑफिसर स्केल 1 और एक है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें इंटरव्यू नहीं रहता, और जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें इंटरव्यू भी रहता है। तो बाद में जब इंटरव्यू होगा वो सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 के लिए होगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हम एज ए स्टूडेंट क्या हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट, आप स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करो। उसके बाद आगे आप वैकेंसीज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसीज होती हैं आरआरबी में स्टेट वाइज रहती हैं। अगर हम बिहार की बात करें 240 वैकेंसीज हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें 172 है, हिमाचल प्रदेश की बात करें 119 है, मध्य प्रदेश की बात करें 441 है, ये ऑफिस असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब की बात करें 150 वैकेंसीज है पंजाब में। इसी तरह ऑफिसर स्केल 1 में हिमाचल प्रदेश में 99 है, 44 है, हरियाणा में 99 है, मध्य प्रदेश में 231 है, सबसे ज़्यादा है आपकी जो पंजाब में 43 है। तो आप इस तरीके से जो नोटिफिकेशन में अपनी स्टेट की जो वैकेंसीज है वो देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी स्टेट के वाइज। देखने के लिए आप ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि एलिजिबिलिटी की बात करें कि दूसरी स्टेट में अप्लाई करने के लिए क्या हमें एलिजिबिलिटी को स्पेशल एलिजिबिलिटी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात करें, तो बैचलर डिग्री मांगी है नंबर 1, नंबर 2 मांगा है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, पंजाब से अप्लाई करना चाहते हैं आप, हरियाणा से और पंजाब से अप्लाई करना चाहते हैं आप, पंजाब की जो लोकल लैंग्वेज है वो है पंजाबी। अब अगर आपको लगता है कि पंजाब में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा, हमें पंजाब से अप्लाई करना है, तो अगर तो आपने 8th ऑनवर्ड्स किसी भी स्कूल किसी भी क्लास में आपने पंजाबी पढ़ी है, फिर तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने पंजाब में अप्लाई करना है लेकिन मैंने पंजाबी नहीं आती है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आपकी जॉब लग जाएगी विद इन 6 मंथ्स या उससे भी ज्यादा टाइम मिलेगा लोकल लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने के लिए। तो मींस कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है अगर आपको लगता है कि उस स्टेट की जो लैंग्वेज है लेटर ऑन आप सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर कॉमन लैंग्वेज वो हिंदी है, जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी है, बिहार में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है। तो जहां तो आपको लगता है कि कॉमन लैंग्वेज हिंदी है वहां तो आप नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास तक सबने हिंदी पढ़ी रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है आपने महाराष्ट्र में अप्लाई करना है और वहां की लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो अगर आपको लगता है मैं मराठी सीख सकता हूं और मैं जो है वो मुझे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, मुझे वहाँ अप्लाई करना है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ आरआरबी में आपकी जॉब लगेगी, अगर आपने मान लीजिए आप पंजाब से हैं और नंबर ऑफ सीट्स जो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं, तो अगर एक बार आपकी आरआरबी में मध्य प्रदेश में जॉब लग गई माय डियर स्टूडेंट, तो आपकी ट्रांसफ़र कभी नहीं होगी, आपको वहीं पर सारी उम्र जो है वो जॉब करना पड़ेगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अब ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करें, इसमें भी सिंपल जो है वो बैचलर डिग्री मांगी है और प्रेफरेंस भी गिवन टू कैंडिडेट, प्रेफरेंस है इसमें कोई, दिस इज नॉट जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। डिजायरेबल में लिखा है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हालांकि कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिंपल आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, ना ऑफिस असिस्टेंट के लिए चाहिए, ना ऑफिसर स्केल 1 के लिए चाहिए। अगर हम एज की बात करें, तो एज 1 जून 2022 को, आपने इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया बताना, जो आपकी क्वालिफिकेशन है 27th जून
2022 को कंप्लीट होनी चाहिए. मींस जो फाइनल ईयर अभी अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है. अगर उनका रिजल्ट 27 जून से पहले आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिल नहीं कर सकते. सेम जो आपकी एज है वो 1 जून 2022 को मांगी है. ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो जॉब है उसके लिए जो एज है मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है. और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 टू 30 है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 18 टू 28 है. मींस ऑफिसर के लिए आपकी एज जो है वो 18 से 30 रहेगी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी एज जो है वो 18 से 28 रहेगी. जो पर्टिकुलर डेट्स है वो आप जो है स्क्रीनशॉट लेके जो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो है वो चेक कर सकते हैं. इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर, और एक्स सर्विस मैन की या जो बाकी विडोज डाइवोर्सी वीमेन वगैरह के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आप स्क्रीनशॉट में चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आगे अब आपको अगर आप कोई कोचिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ में और पंजाब में आपको इसकी ऑफलाइन कोचिंग मिल जाएगी. और अगर आप ऑनलाइन बेस्ट वीडियो कोर्स चाहते हैं तो ब्राइट अकेडमी जो एंड्रॉयड और आईओएस की जो एप्लीकेशन है इसमें आपको कंप्लीट आरआरबी और बाकी सभी बैंक्स का जो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा. आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, सारे नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में. 8,000 रुपीज जो है वो इसके चार्जेस है कंप्लीट जो है वो पूरे वीडियो कोर्स के. ब्राइट की एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ. और ये जो आप कोर्स खरीदोगे इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर, और डेमो क्लास भी आप खरीदने से पहले जो है वो देख सकते हैं. बहुत सारी डेमो क्लासेस हैं, आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप पहले डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद ये कोर्स को परचेज कीजिए. और अगर आपको कोई डाउट है वीडियो कोर्स को लेके तो हमारे इस नंबर 9988442200 ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ के नंबर पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं. अब अगर हम देखते हैं एप्लीकेशन फी, तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए 175 रुपीज फी है एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और 850 है बाकियों के लिए. सेम ऑफिस असिस्टेंट के लिए 175 है एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी, और एक्स सर्विस मैन के लिए 850 है बाकी सभी के लिए. अब हम बात करें कि प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, जो क्लर्क का एग्जाम है, उसमें मैथ रीजनिंग और इंग्लिश तीनों आते हैं. इसमें क्या है, प्री में रीजनिंग और सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, असिस्टेंट में भी और ऑफिसर में भी रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा. अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 रहेंगे. स्टार का मीनिंग है कि आप लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं मीडियम. और 40-40 मार्क्स के टोटल 80 मार्क्स का ड्यूरेशन रहेगी 45 मिनट. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहता है, मींस यू हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट. और ये जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, प्रीलिमिनरी जो है. और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 मार्क्स की. इसके बाद जो मेंस का जो एग्जाम है, अगर हम मल्टीपर्पज क्लर्क की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, तो जो फाइनल मेरिट बनेगी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहता. मेंस जो ये पेपर होगा ऑफिस असिस्टेंट का मेंस का, इसी के बेस पे जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी. इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हैं. अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी हिंदी बेटर है या इंग्लिश बेटर है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी. और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40-40 रहते हैं. मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इसमें रीजनिंग में 50 है, कंप्यूटर के 20 रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 हैं, इंग्लिश के 40 हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 हैं. और इसलिए आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 2 आवर्स का, मीन्स अलग अलग टाइम नहीं मिलता. सेम ऑफिसर स्केल में रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हैं, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है. ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 हैं, मार्क्स इसके भी 50, 20, 40, 40, 40 एंड 50. ये इसका भी कंपोजिट टाइम जो है वो 2 आवर्स रहेगा. इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी. और ऑफिसर स्केल 1 में, ऑफिस असिस्टेंट में तो आपकी फाइनल सिलेक्शन इसी के बेस पे होगी, लेकिन जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें जो है आपका क्या होगा, उसमें आपका इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा. और जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा, और जो रिटर्न की जो वेटेज है और इंटरव्यू की जो वेटेज है, दैट इज रेशियो 80-20. मींस 80% वेटेज जो है आपके मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे, 20% वेटेज जो है आपकी इंटरव्यू रहेगी, और ऑफिसर में जो है मेंस और इंटरव्यू दोनों के मिला के जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी. और ऑफिस क्लरिकल में जो है, ऑफिस असिस्टेंट में जो है, आपकी सिलेक्शन सिर्फ मेंस के मार्क्स के बेस पे होगी. तो अब आई होप आपके सारे आरआरबी के बेस पे जो है वो आरआरबी के एग्जाम के जो दोनों पेपर निकले हैं, ऑफिस असिस्टेंट और मल्टी ऑफिसर स्केल 1, इसके आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब आप अच्छे से डट के तैयारी करो. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.